दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड में राजकुमार राव का एक अलग ही जलवा रहा है और इस बात को हम लोग भी सालों से देख ही रहे हैं। राजकुमार राव को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने के लिए थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन एक बार जब वह स्थापित हो चुके हैं तो अपने दम पर फिल्मों को हिट करा ले जाते हैं। राजकुमार राव अपने करियर में अभी तक 50 के करीब फिल्म कर चुके हैं और इनमें से कुछ हिट हुए हैं तो कुछ फ्लॉप। लेकिन आज हम आपको उनकी हिट या फ्लॉप फिल्मों के बारे में नहीं, बल्कि उनके 5 क्लासिक फिल्मों के बारे में बताते हैं। इन फिल्मों ने भले ही बिजनेस जो भी किया हो, लेकिन अपनी स्टोरी टेलिंग से इन फिल्मों ने खूब वाहवाही बटोरी। तो आइए आपको राजकुमार राव के ऐसे ही 5 फिल्मों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, शाहिद। यह फिल्म राजकुमार राव के शुरुआती दिनों की फिल्म है, जो साल 2013 में रिलीज हुई थी और इसे हंसल मेहता ने निर्देशित किया था। यह फिल्म एक वकील शाहिद आजमी की कहानी है, जो मुंबई का रहने वाला है। मुंबई हमले में उसके परिवार के ऊपर भी आतंकी होने का आरोप लगा था, जिसका केस खुद शाहिद ने ही लड़ा था। हालांकि उसे बाद में गोली मार दी जाती है। अब शाहिद आजमी की कहानी जो भी रही हो, लेकिन राजकुमार राव ने उस किरदार में जान डाल दिया था और यह उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक मानी जाती है। नंबर 2, सिटी लाइट्स। यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी और इसे भी हंसल मेहता ने ही निर्देशित किया था। यह कहानी एक गरीब आदमी की है, जो अपने बीबी और बच्चे को लेकर राजस्थान के एक छोटे से गांव से पैसा कमाने के लिए माया नगरी मुंबई में आता है और यहां की चकाचौंध में खो जाता है। फिर कैसे इस शख्स को एक ड्राइवर की नौकरी मिलती है और वह रातों रात करोड़पति बन जाता है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। फिर उसके बीबी और बच्चे का क्या होता है और एक गरीब आदमी को मुंबई का चकाचौंध कैसा दिखता है, यही इस फिल्म का सार है। राजकुमार राव की यह भी एक बेहतरीन फिल्म है। नंबर 3, ट्रैप्ड। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी और इसे विक्रमादित्य मोटवानी ने निर्देशित किया था। यह फिल्म एक ऐसे कॉल सेंटर एम्प्लॉय की कहानी है, जो मुंबई में एक फ्लैट में अकेले रहता है और एक दिन अचानक से अपने ही फ्लैट में गलती से फंस जाता है। फिर उसके साथ क्या क्या होता है और वह कितने दिनों के बाद वहां से बाहर निकलता है या फिर निकल भी पाता है कि नहीं, यही इस फिल्म की स्टोरी है। राजकुमार राव ने इस फिल्म के लिए लिटरली अपने बॉडी को टॉर्चर कर दिया था और यह एक मस्ट वॉच मूवी है। नंबर 4, न्यूटन। यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी और इसे अमित मासूरकर ने निर्देशित किया था। यह कहानी नूतन कुमार नाम के एक शख्स की है, जिसे लोग न्यूटन भी कहते हैं। वह एक गवर्नमेंट क्लर्क है और उसे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में वोटिंग करवाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। इस काम को वह कैसे करते हैं और इस दौरान उसे क्या क्या परेशानी उठाना पड़ता है, यह इस फिल्म में दिखाया गया है, जिसमें राजकुमार राव की एक्टिंग पूरे फुल फेज में देखने को मिल जाता है। नंबर 5, उमेरता। यह फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी और इसे भी हंसल मेहता ने ही निर्देशित किया है। इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख की कहानी को दिखाया गया है। ये वही आतंकी है जिसे कंधार हाईजैक के समय भारत सरकार ने रिहा किया था। यह फिल्म इसी आतंकी की जर्नी को दिखाता है, जिसे राजकुमार राव बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभा ले गए हैं। तो दोस्तों, यही थी राजकुमार राव की 5 बेहतरीन फिल्में, जिसे आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में अगर आपके हिसाब से कोई और फिल्म होनी चाहिए तो हमें एक नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बेजोड़ फिल्म के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।